इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की महिला कलाकारों और उनके फैंस के लिए एक खास खबर। अब इन महिला कलाकारों को उस्तादे माँ कहकर पुकारा जाएगा। गौरतलब है कि अब तक उनके नाम के आगे सिर्फ श्रीमती कुमारी या फिर बेगम ही लगाया जाता रहा है, जबकि पुरुष कलाकारों को उस्ताद या फिर पंडित जी जैसे संबोधन से पुकारा जाता है। जानी मानी क्लासिकल डांसर पद्म भूषण यामिनी कृष्णमूर्ति को उस्ताद ए माँ की उपाधि से नवाजा गया। दिल्ली के इंडिया हाइब्रिड सेंटर में उस्ताद ए गा संस्था ने उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सबने एक स्वर में ऐलान किया कि अब इंडियन क्लासिकल की महिला कलाकारों को उस्ताद ए माँ कहकर पुकारा जाएगा। उस्ताद ए माँ देना जरूरी इसलिए भी है कि देखिए, हम लोग श्रीमती और कुमारी और बेगम के नाम से तो जरूर जाने जाते हैं हम आर्टिस्ट, लेकिन हम लोगों का भी दिल चाहता है, किसी किसी का, ज़्यादातर सभी का, कि हम लोगों को प्रोफेशनल एक टाइटल हो, अपना एक प्रोफेशनल टाइटल हो जिसमें हमारी प्रोफेशन से हमको जाना जाए, जैसे उस्ताद या पंडित। इसीलिए उस्ताद है माँ। द फीमेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। शी इज़ द वन हु क्रिएट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड and her power is something unbelievable and it will be eternal and she is going to rule the universe in my opinion in every field. इस मौके पर जानी मानी सूफी गायिका जिला खान ने सूफियाना कलाम से समा बांध दिया और इनका साथ दिया अमर सिंह ने। सूफी गायिका जिला खान की संस्था उस्ताद ए गा ने यामिनी कृष्णमूर्ति को उस्ताद ए माँ के सम्मान से नवाजकर भारतीय क्लासिकल संगीत में एक मील का पत्थर रखा है। मशहूर क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति को उस्ताद ए माँ की उपाधि दी गई। उस्ताद ए माँ न सिर्फ भारतीय महिला कलाकार बल्कि भारतीय कला के लिए नया आयाम साबित हो सकता है। गौरव राजगुप्ता, दिल्ली आज तक।